पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। हज़रत सुब्हान अल्लाह ने फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अन करीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल टर्न रिटर्न टू दमिश्क, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्ने मरियम, और अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को पालेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क्यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। कॉमेडी वीडियो है, कॉमेडी क्या बल्कि यही हमारे रोने का सबब होना चाहिए कि किस किस्म की वीडियोस आती हैं, जो कि पूरी, अभी मजे की बात यह कि पूरी दुनिया को उर्दू हिंदी बोलनी नहीं आती। अगर ये हम अंग्रेजी बोलते होते तो दुनिया ने हमारे ऊपर लिटरली हमें छितर मारने थे। इतनी अहमकाना बातें, या अरबी होती कोई ऐसी जबान होती जो मुख्तलिफ लोग समझ सकते, ऐसी ऐसी वीडियोज आती है कि हमें निरी एम्बैरेसमेंट। एक भोंगी मारी है, खच मारी है, बड़ा मम्मी डैडी किस्म के एक्सेंट में बात कर रहे हैं। वो खैर फैल ट्वीट वायरल हुई है और होनी भी चाहिए, और उनको बड़ा जलील किया जा रहा है और करना भी चाहिए। मैं भी यही करने की कोशिश करूँ। बताइए, अभी हाल ही में एक पाकिस्तान के कर्नल हैं कि जनरल हैं, मोटे तगड़े और बहुत ही मतलब सेहतमंद आप कह सकते हैं, एक हलवाई नुमा व्यक्ति जो आर्मी ऑफिसर है पाकिस्तान का, वो अपनी कुछ लोगों को इकट्ठा करके और वहां पर लंबी चौड़ी भाषण देते हुए भारत को धमकी दे रहा है, गजवाए हिंद की धमकी दे रहा है, और इसके बाद में वो पूरे दुनिया पर जिहाद करने की धमकी दे रहा है। और वहीं पर खड़े सारे पाकिस्तानी लोग इस बात से खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। तो ऐसी कुछ ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और जिसके बाद से लोगों ने पाकिस्तान को गरियाना चालू कर दिया और काफी बुरा भला कहना चालू किया इस कर्नल को भी, जो कर्नल हो या जनरल हो, और इसके बाद में पूरी पाकिस्तान आर्मी को लपेटे में ले लिया लोगों ने सोशल मीडिया पर कि आप कैसी मानसिकता रख रहे हैं, आप भूखे मर रहे, नंगे मर रहे, आपके पास कपड़ा नहीं, खाने को नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी जंगे भारत से हार गए हैं, सब कुछ आपका खत्म हो चुका है, फिर भी आप भारत को लगातार सिर्फ इसलिए कोस रहे हैं कि क्योंकि भारत ने तो आपका कुछ किया नहीं, लेकिन आप भारत का बहुत कुछ करना चाहते थे और कुछ कर नहीं पाए, इसलिए आप आज उसको कोस रहे हैं। ये तो ऐसा कुछ मामला लगता है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि कुछ कर नहीं पाए तो अपने लोगों को बड़ी बड़ी गीदड़े भपकी देते हुए, और ऐसा लग रहा है कि मानो ये जंगे जीत जाएंगे। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये कह रहा है कि कहां से कोई सेना आने वाली है जो मोदी जी को पकड़ कर लाएगी, भारत को गुलाम बनाएगी, और पता नहीं क्या क्या मतलब अनाप शनाप जो भी इसके मुंह में आया वो ये कहते हुए दिख रहा है इस वीडियो में। तो अब इस पर काफी कुछ लोगों ने रिएक्शन किया है, मतलब कि इसकी तो धज्जियां उड़ा दी लोगों ने, लेकिन अब ये जहां कहीं भी होगा, अगर ये वो सब चीजें देख रहा होगा तो इसको महसूस होना चाहिए कि किस तरह से ये बोला था और इसका रिएक्शन इसके ऊपर क्या हुआ। लेकिन फिलहाल अगर मैं इसको देखूं एज अ इंडियन, तो ऐसा लगता है कि ये मानसिकता लोगों में भरी जा रही है, अभी भी भर रहे हैं। फिलहाल अभी इनका जो है आर्थिक सही समय नहीं चल रहा है, तो लेकिन फिर भी ये मानसिकता तो इनकी कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाती है, भारत के खिलाफ और गैर मुस्लिम लोगों के खिलाफ। ये कोई भारत की ही बात नहीं है, ये हर उस शख्स को मिटा देंगे या मिटाने की सोच रहे होंगे जो कि गैर मुस्लिम है, क्योंकि इनका तो मेन मुद्दा मुस्लिम है ना, इस्लाम है, इस्लामोफोबिया है, ये उसी को तो निपटा रहे हैं। ये गजवाए हिंद और जिहाद कह रहे हैं, ये सभी के लिए, यानी कि किसी धर्म को ये रहने नहीं देना चाहते, इतनी गंदी मानसिकता इनकी है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से आज इनका जो ये हालात है ना, ये वही उसी का नतीजा है। फिलहाल भारत से इन सब वीडियो को और इनको टक्कर लेने का और ये सब चीजें से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, भारत के आगे तो अभी बेटा तुमको आने में बहुत समय लग जाएगा, और जब तक तुम आओगे ना तब तक भारत कहां पहुंच जाएगा इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। अब चलते हैं फिर, फिलहाल देखते हैं वीडियो और पूरा मामला, मजे लेते हैं इसके इस बयानबाजी के बाद के रिएक्शन का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21वीं सदी के अंदर इस तरह के खोते, इस तरह के डफर, इस तरह के जहाज नुमा इंसान ऐसी ऐसी खचे मार रहे होते हैं कि बंदा कहता है ये शायद कोई मैं ड्रीम देख रहा हूँ। शायद फौजी अफसर ने कहीं कुछ लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी खात्मा कर देंगे, और कहीं पता नहीं ईस्ट से कोई आर्मी आएगी, मेहदी की आर्मी आएगी, और वो भारत को ख़त्म कर देगी।
अजीबो गरीब मेंटेलिटी है, अजीबो गरीब माइंडसेट है। इस पर अगरचे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों ने भी बहुत एहतजाज किया, मगर वो एहतजाज भी उन लोगों ने किया जो पहले गजबाए हिंद के हामी थे और इमरान खान के तब भी सपोर्टर थे, आज भी सपोर्टर हैं। अगर आर्मी उनको अपनी गोद में वापस ले लें तो वो भी इसी गजबाए हिंद के साथ आगे चल पड़ेंगे। तो ये माइंडसेट पाकिस्तान में कब खत्म होगा? मुसलमानों का कीड़ा है बस, लोगों के ऊपर चढ़ाई चढ़ाई, कत्लो गारत, बस्तियां लूट लो, लौंडियां बना लो, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। जंग जदल, लूट खसूट, काफले लूटना है, और कोई इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने क्या मुकाबला करना है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहां स्पेस में जा रहे हैं, बस इनकी यही खोते कहानियां इनकी, और इनके पास कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये एक सो कॉल्ड एक पेशन गुई है, तो ये इस पेशन गुई के ऊपर मुसलमानों में बड़ी तनकीद होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन कुछ जो ऐसे खोचल किस्म के लोग हैं जो इंडिया में जो बीच इस तरह की बातें करते हैं, तो इंडिया के लोग जो वो पढ़ा इसको, उनके उन्हें गुस्सा चढ़ता है, उन्हें अफसोस होता है। इस मुंह से मुसलमान हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को, स्पेशली इंडिया के लोगों, इंडिया के नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को किस मुंह से ये कह सकते हैं कि यार हम इस्लाम बड़ा अमन पसंद का मजहब है, बड़ा अच्छा मजहब है, देखिए हमारी प्यारी प्यारी बात है। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी जो है सर, ये सिर्फ बोलते हैं, ये करते नहीं है। ये पूरा जो गजवा हिंद का मामला है, वो जो पाकिस्तानी फौज का अफसर है, हम ये कर देंगे, कोई महदी है जिसकी आर्मी आएगी ईस्ट से आएगी, आर्मी पता नहीं कौन सी ट्रेन से आ रही है, आर्मी अभी तक तो पहुंची नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं विच ट्रेन और विच फ्लाइट दिस आर्मी इज टेकिंग। तो सर ये मेरा सिर्फ ये है कि एज अ प्रोफेशनल आर्मी जो मैंने सीखा, जो मॉडरेट या लिबरल थोड़े से इस्लामिक स्कॉलर है, वो इस हदीस को सही नहीं कहते, हसन नहीं कहते, यानी हसन है वैसे इसकी ग्रेडिंग, और इसकी कई लोग बड़ी तावीलें पेश करते हैं कि ये गजवा हो चुका हुआ है, ये मोहम्मद बिन कासिम और फिर उसके बाद बाबर वगैरह वाला, ये हो चुका हुआ है, अब और नहीं होना, इस तरह की बातें अब दोबारा नहीं होनी, क्योंकि इन्वेड्स इंडिया, एक दफा इन्वेजन हो चुकी भी है। तो कुछ इसको इस तरह तोड़ने मोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं ये हदीस सही नहीं है, और लेकिन जो इंतहाई किस्म के खोचल और डफर और जाहिल किस्म के जो मोमिनींस हैं, वो बड़े फखर से कहते हैं कि हाँ हम तुम पे गजवा करेंगे, फिर वो आगे से निकालते हैं लंबा सा छेतर, फिर चुपड़ा चुपड़ा इनको कराते हैं, फिर आगे से रोते हैं इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। तो ये तुम्हारे इंडिया के मुसलमान, तो यहाँ के जो खोचल बांदर हैं, जो बांदर पाकिस्तान में जो रखे हुए हैं, जैसा ये बांदर मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये देखें कैसी मम्मी डैडी एक्सेंट में, अंग्रेजी में, उर्दू में, ये क्या खचपना मार रहा था सर। एंड आई वाज अ वेरी जूनियर ऑफिसर इन द आर्मी, सो बट जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा, मुझे सिर्फ ये बोलते थे कि लेट योर एक्शन स्पीक, यू कीप क्वाइट, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अपना काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम बोले, तुम्हें बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे फौज ने सिखाया और मैंने फौज से सीखा, तो जो करना होता है कर देते हैं। जैसे भारत, भारत की भी यही फिलॉसफी है सर। इंडिया में भी इंडिया की सरकार आप देखिएगा कभी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट नहीं करती। मोदी जी को जो करना है 370-35 से हटाना है, एक दिन अचानक हट जाएगा, कहानी खत्म। इसके ऊपर लंबा चौड़ा बयान देना कि हम ये कर देंगे, फिर वहां से फौजी आएंगी, वहां से घोड़े आएंगे, फिर यहां से हम लोग लाल किले पे सब्ज परचम सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, ये होगा, ये सब क्या बोलने की जरूरत है? इसको बार बार इसको अनाउंस करने की क्या जरूरत है? जिसको करना है वो कर देता है सर। अच्छा, अल्लाह मियां को इतनी चीजें पता थी, रसूल अल्लाह को इतना मुस्तकबिल का हाल पता था, ये वो सारा, इमाम मेहदी नाम भी रख दिया, ईसा ने आना उधर से दमिश्क की तरफ निकल, तो पाकिस्तान का नाम क्यों गोल कर गए हैं? अल्लाह को तो सब पता, कह देते छोटी सी कहीं पे हदीस, छोटी सी सीक्रेट सी हदीस रख देते तो पाकिस्तान रख देते इसका नाम। हम कहते वाह जी वाह, जनरल का नाम भी बता देते ना कि हमारे जनरल बाजवा साहब आएंगे जो गजवाए हिंद करेंगे, वहां पे मोदी कहते मोदी जी को चेने पड़ते। यार ये क्या लोग, उसने बांदर ने एक तीर से दो शिकार कर दिया, उसने वो भी कर दिया, इंडिया मोदी जी को भी जंजीरें डाल दी और उसने फलस्तीन भी फतह कर लिया। जिसको बोलना है वो बोलता रहता है, तो बड़बोले लोग हैं सर, वी डोंट टेक देम सीरियसली। यहाँ पे तो बड़ी मजाक उड़ाई गई, और उस जनरल का सर, ही वाज पता नहीं जनरल था कर्नल था क्या था, आई डोंट नो, रैंक्स मुझे ठीक से दिखे नहीं, लेकिन हाईली अनफिट वो बिल्कुल, ऐसा लग रहा था, मैंने वो ट्वीट भी करा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हलवाई या फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहा है, मतलब सो फैट, वो तो बॉर्डर तक जाते जाते वो हाँफ जाता सर वहां पे, ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू वॉक टू द बॉर्डर। ये सब ये बातें करते हैं सर ये, और यही थोड़ा सा अफसोस होता है कि मतलब यू नो कि व्हाई डोंट दे डू समथिंग, मतलब आपको लड़ना है आप लड़िए, आपको नहीं लड़ना है मत लड़िए, ये लड़ते नहीं है, ये लड़ाई के बारे में बातें बहुत करते हैं। ये ऐसे खोचल लोग हैं, क्या पता करे, कोई मौलवी ये बात कर रहा हो तो ठीक भी है, मम्मी डैडी तुम्हारा एक्सेंट है, क्लीन शेव किया हुआ, गोरे की तुमने पतलून पहनी हुई है, गोरे की स्टाइल की आर्मी बनाई हुई है, छितर पूरी दुनिया से तुम्हें पढ़ते हैं, एफएटीएफ की तलवार तुम्हारे ऊपर लटक रही है, खाने को पैसे नहीं है, आटे की लाइनें लगी हुई है, ख्वाब इतने बड़े बड़े। अच्छा, इंडिया को फतेह भी करेंगे और उनके बादशाहों के ऊपर चेने डाल के उनको घसीट के वापस भी ले जाओ यार इंडिया, सॉरी यार,
वाकई बड़े खो चले हम पेड़ा। लेकिन पाकिस्तान में लार्जली द थॉट इज दैट अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी माहौल खराब है, अभी खाने को नहीं है, डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, जिस दिन तगड़े हो जाएंगे फिर भारत को देख लेंगे। सो दिस टाइम इंडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो जिसको कहते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन यही है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी राइट नाउ। इंटेंट वही है सर, इंटेंट में कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, इंटेंट ऑलरेडी है सर। ऐसी ऐसी फिर वही बात आएगी, सारी जंगे हार है, 65 की हार है, 71 की हार है, 99 की हार है, दो नंबरियां जो फिर बाद में दहशतगर्दियां की वो हारे, किसी फ्रंट के ऊपर नहीं जीते, अब तो क्रिकेट में भी नहीं जीते, बेड़े घर उधर भी बेड़े घर का। ये तो जाहिल तो मोस्टली हर मुल्क में, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाहिल ज्यादा ही होते हैं, लेकिन जो थोड़े से जो अच्छे लोग हैं जो और मैं वैसे आपको बताऊं इसके पीछे पॉलिटिकल वजह भी हो सकती है, नहीं वैसे इसके पीछे पॉलिटिकल वजह नहीं, क्योंकि आई थिंक ही इज एन अननोन पर्सन, ये तो वैसे ही वीडियो वायरल होगी, जिसने वीडियो खींची है ना उसने भी जान की चढ़ा दी होगी, कहोगे देखो कितना पागल है फौजी जड़ा भी है। तो ये बड़े फजूल किस्म के लोग हैं, ऑब्वियसली आपकी इस तरह की बोंगियों से ना इंडिया को डर लगता है ना उनको कोई फर्क।